एक ऐसा विदेशी गांव जहां की महिलाएं साड़ी पहनती हैं व पुरुष धोती कुर्ता। इस गांव में खेती भी पारंपरिक बैलों व हलों से की जाती है और यहां के बच्चे सीखते हैं व बोलते हैं संस्कृत भाषा और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये गांव है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर सनातन गांव। तो दुनिया के कौन से हिस्से में है ऐसा गांव जहां हो चुकी है सतयुग की स्थापना और सनातन का इतना अधिक महत्व? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हंगरी देश में मौजूद है पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इकलौता हिंदू गाँव। हंगरी यूरोप के पूर्व में स्थित एक छोटा सा देश है जिसे एक बहुत ही प्राचीन देश माना जाता है और एक समय में यह देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता। इसके उत्तर में चेकोस्लोवाकिया, पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में यूगोस्लाविया और पश्चिम में ऑस्ट्रिया है। इस देश में समुद्र तट नहीं है। तो ये तो बात हो गई हंगरी के विषय में। अब बात करते हैं यहाँ के इकलौते हिंदू गाँव के बारे में। इस गांव में महिलाएं साड़ी पहनती हैं, वहीं पुरुष धोती व कुर्ता पारंपरिक परिधान जो कि सनातन का मुख्य परिधान है पहनते हैं। हो गए ना आप हैरान? इतना ही नहीं, इस गांव में खेती के आधुनिक साधन नहीं बल्कि पारंपरिक बैलों व हलों से खेती की जाती है। यहां के बच्चे संस्कृत सीखते हैं व संस्कृत बोलते हैं, वेद मंत्रों के उच्चारण करते हैं और अपने मस्तक पर तिलक लगाकर विद्यालय जाते हैं। तो आखिर एक ऐसा देश जहां पर 62% हंगेरियन कैथोलिक है, 20% लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, 5% प्रोटेस्टेंट हैं और 8% अन्य ईसाई, 1% यहूदी। तो आखिर इस जगह कैसे बना एक हिंदू गांव? और आखिर कैसे इस गांव के सारे लोग वैदिक धर्म को मानने लगे? तो वीडियो आगे बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तभी आप जान पाएंगे कि वैदिक धर्म किस तरीके से दूसरे देशों में पैर पसार रहा है जिसकी आपको खबर तक नहीं। तो दोस्तों, हंगरी के जिस वैदिक गांव की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कृष्णा वैली। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नया ब्रजधाम या इंडियन कल्चरल सेंटर, कृष्णा घाटी इत्यादि। ये गांव 660 एकड़ में बसा हुआ है। इस गांव में यहां के लोगों ने स्वयं के विद्यालय, स्वयं के औषधि केंद्र, मंदिर तथा स्वयं की जैविक कृषि भी है। ये कृषि वैदिक पुराने तरीकों से की जाती है और इस गांव के रहन सहन व गतिविधियों को पहली नजर में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यहाँ सतयुग की स्थापना हो चुकी है। इसके साथ ही साथ इस गांव में स्वयं का विद्युत तंत्र भी है। हर इमारत, मंदिर, घरों, सभी जगह सोलर सिस्टम मौजूद है। ये गांव पूर्णतया आत्मनिर्भर गांव है। दोस्तों, अब आपके हृदय में जिज्ञासा और अधिक तीव्र हो चुकी होगी इस बात को आत्मसात करने की कि आखिर ये क्यों व कैसे बसाया गया और इस गांव को बसाने वाले वे कौन लोग हैं इत्यादि। तो चलिए आपके हृदय में उमड़ रहे इन प्रश्नों का उत्तर एक एक कर जानते हैं। दोस्तों, इस गांव को लगभग 30 वर्ष पहले बसाया गया था। 1993 में हंगरी के एक संत शिवराम स्वामी जी द्वारा ये गांव बसाया गया था। आइए शिवराम स्वामी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे तो इनका जन्म 1949 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। उस समय तक इनका सनातन धर्म से कहीं तक कोई भी संबंध नहीं था, पर एक बार जब 1980 में ये लंदन गए, वहां पर इन्हें श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने को मिली। भगवद गीता का प्रभाव उनके हृदय पर इतना अधिक पड़ा कि इन्होंने शीघ्र ही इस्कॉन संस्था अपना ली तथा एक सनातनी बन गए।
इन्होंने अपना सांसारिक जीवन त्याग कर एक संत का जीवन चुना। आगे चलकर इन्होंने भगवद गीता का हंगेरियन भाषा में भी अनुवाद किया व पुस्तकें प्रकाशित की। तो जैसे जैसे हंगेरियन भाषा में भगवद गीता का वितरण व प्रसार होने लगा, वैसे वैसे हंगरी के असंख्य लोगों ने भी सनातन धर्म अपना लिया। ये सभी लोग अपना पहले का जीवन त्याग कर कृष्णा वैली में रहने लगे और धीरे धीरे करके इन लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। सनातन धर्म ही ऐसा है कि इसकी ओर किसी का भी खिंचे आना स्वाभाविक है। सन 2009 में शिवराम स्वामी जी के अथक प्रयासों से प्रसन्न होकर हंगरी के उच्च शिक्षा और विज्ञान के तत्कालीन राज्य सचिव ने इन्हें हंगरी गणराज्य के सम्मान गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया। ये सम्मान हंगरी का द्वितीय सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार है। ये शिवराम स्वामी जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि जितना पर्यटक एक वर्ष में पूरे हंगरी में भ्रमण करने आता है, उससे तीन गुना से भी अधिक पर्यटक केवल हंगरी के इस सत्युगी सनातन गांव को भ्रमण करने आता है। और इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक क्यों इस कृष्णा वैली में भ्रमण करने आते हैं, आगे के वीडियो में आप स्वयं देख सकते हैं। इस गांव में प्रत्येक हिंदू त्योहार बड़ी ही धूमधाम से परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। अब हंगरी की सरकार भी पूर्णतः इस गांव को सहयोग कर रही है, हंगरी में कृष्ण भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। जब इस गांव की रचना की गई तो इस्कॉन के द्वारा 110 एकड़ जमीन खरीदी गई थी और आज ये जमीन 660 एकड़ के विशाल जगह में बदल चुकी है। इस गांव का प्रसार हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सतयुगी गांव के विषय में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।